एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के समय में सोशल मीडिया लोगों को रातों रात स्टार बनाने के लिए जाना जाता है। इंसान अपनी क्वालिटीज के आधार पर पलक झपकते ही फेमस हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्राजील की रहने वाली रीटा माटोज के साथ। कभी रीटा सड़कों पर झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज वो सुपर मॉडल बन चुकी हैं। रीटा हैं तो काफी खूबसूरत, लेकिन कभी उनके पास पैसे नहीं थे, इस कारण उन्हें अपना गुजारा करने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन 25 साल की रीटा सड़कों पर झाड़ू लगा रही थी, तभी किसी ने उसकी फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी। देखते ही देखते यह वायरल हो गई। इतना ही नहीं, रीटा की फोटो को हजारों लोगों ने शेयर किए और उस पर कईयों के ये कमेंट थे कि इतनी सुंदर लड़की आखिर सड़कों पर झाड़ू कैसे लगा सकती है। रीटा ने बताया कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे ब्राजील में मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ। उन्होंने कहा कि पहले मुझे ऐसा लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कमेंट मिले उससे मुझे एक हौसला मिला। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक झाड़ू लगाने वाली इतनी फेमस हो सकती है। हालांकि दोस्तों और नजदीकियों के समझाने के बाद उन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन हुआ। इतना ही नहीं, कुछ ही समय बाद उन्हें मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने शुरू हो गए। रीटा ने बताया कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, सोशल साइट्स पर उनसे दोस्ती करने के लिए लोगों की लाइन गई। फिलहाल रीटा बतौर मॉडल पहचान बना चुकी है।